सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं मनीष उपाध्याय, आज हम लोग ग्राम पंचायत राज अजगरी में और हमारे साथ है यहाँ से स्थानीय मुखिया प्रत्याशी दीपक कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे बंजरिया प्रखंड में ये पंचायत आता है अजगरी, अजगरी से चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? जी सर, नमस्कार आप लोगों का और आप लोगों का बहुत स्वागत है। रही बात जो आपने आपका सवाल कर चुनाव लड़ने का मतलब क्या उद्देश्य है क्या है, देखिए अभी जो हमारे पंचायत में बहुत सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया समझे, और लोगों का एक मन, लोगों ने यह मन बनाया है कि मैं इस बार परिवर्तन करूं, तो लोगों के मन को समर्थन देने के लिए मैं इस बार चुनाव में आया हूं, जो मेरा चुनाव भय और भ्रष्टाचार मुक्त बने। आपके पंचायत की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, किसी तीन समस्याओं के बारे में? देखिए वैसे तो मेरे पंचायत में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जब आपने बोल दिया कि तीन समस्या में सबसे पहले है जो गली नली रोड, उसके बाद पानी, और उसके बाद सबसे पहले है जो यहाँ स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल का भवन नहीं है, 1400 आबादी के अंदर में एक भी विद्यालय का भवन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि मतलब यह सब जो और भी है बहुत, जैसे इंदिरा आवास में आपका भ्रष्टाचार है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, आपका शौचालय बन रहा है उसमें लोगों से पैसा लिया जा रहा है, तो यही सब चीज तो समस्याएं तो बहुत है, कितना हम मतलब आपसे हम बात करें। पंचायत में समाज सेवा में आप कब से हैं? पंचायत में समाज सेवा में हम 1995 से सब 95 से हम हर मतलब एकदम सक्रिय एकदम समाज के सेवा में लगे हुए हैं। जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ, किसी को कहीं जाना हो, किसी को अगर ब्लॉक में कोई काम पड़ा, तो हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो इस पर क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में यहाँ पंचायत की जनता आपको समर्थन कर रही है और आपके साथ सक्रियता दिखा रही है? जी जी एकदम, पंचायत की जनता का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है, और पंचायत की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? पंचायत की जनता से हम एक ही अपील करेंगे कि इस बार आप हमें एक मौका दें, इस पंचायत में परिवर्तन लाए, और मेरा जो ईवीएम में क्रम संख्या 6 पर चुनाव चिन्ह बैगन छाप है उस पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजय बनाए, ताकि हम आपका सेवा कर सके। आप एक बार हमें मौका दें, हम 5 साल आपके लिए सेवा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, खबरों का सुनना चाहिए, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।